उसमें बैक्टीरियल बैक्टीरियल हमने सारे कर लिए थे, इन्फ्लेमेशन जो हमारे पास हो रही थी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, जिसमें जो हमारा एक्सटर्नल ईयर था उसमें पिन्ना था, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल था, एंड देन वी हैड द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब जो फ्रंकल था उसमें हमने देखा था लोकलाइज जो था वो एक जगह पर था, डिफ्यूज जो था वो हमारे पिन्ना और हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक स्प्रेड कर रहा था, और जो हमारे पास मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना था वो हमारे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह जा रहा था, ठीक है। और इसके अलावा बैक्टीरियल था तो उसमें हमने देखा था जो फ्रंकल होता है वो हमारे स्टेफलोकोकस ऑरिस की वजह से होता है, जो मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है वो डायबिटीज़ वाले जो लोग होते हैं उनमें सुडोमोनास की वजह से हो रहा होता है, ठीक है। और जो डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना होता है उसमें वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, पर्टिकुलरली जब हम ट्रॉमा कर देते हैं अपनी अपने कान के अंदर तो तब होता है मोस्टली, ठीक है, और उसकी एक्यूट और क्रॉनिक फेज़ होती है। सो ये आपके पास है। अब जो हमारे पास है ना ये लोकलाइज्ड ओटाइटिस एक्सटर्ना, इसको एक्यूट का नाम दिया जा रहा है कि एक्यूट होता है ये, ठीक है। लेकिन जो डिफ्यूज़ होता है ना वो दो तरह के हो सकता है, वो एक्यूट भी हो सकता है क्रॉनिक भी हो सकता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ आर नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फेक्शियस ग्रुप में आता है वो आता है हमारा फंगल। और फंगल में हम क्या डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ ऑटोमाइकोसिस, ठीक है। ये हमारे कान में क्या करेगा देखते हैं। सो ये हमारे पास दो हमारे पास फंगजाए होते हैं जो मोस्टली हमारे कान के अंदर इन्फेक्शन करना पसंद करते हैं, दीज आर द एस्परगिलस एंड कैंडिडा, ठीक है। अब ये दो फंगस हैं लेकिन हमारे पास अलग अलग तरीके से इन्होंने कान के अंदर हमला किया हुआ है और कलर भी डिफरेंट दे रहे हैं। जो एस्परगिलस नाइगर होता है वो नाइगर से पता चल रहा है ब्लैक कलर देगा तो आपको ब्लैक कलर की फंगस नज़र आएगी, ठीक है। और जो कैंडिडा है वो आपके पास क्रीमी कलर दे रहा है, वाइट क्रीमी कलर दे रहा है, ठीक है। और ये आपके सिनेरियो में वर्ड आता है कि वाइट क्रीमी हमें जो है ना मटेरियल मिला है कान के अंदर पड़ा हुआ है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में, तो आपने डायग्नोज करना होता है दैट इज़ ऑटोमाइकोसिस, ठीक है। अब ऐसा जो पेशेंट होता है ना जिसके अंदर ये हमारे पास हुए होते हैं बैठे होते हैं ये फंजाए, ठीक है, उसकी वजह से पेशेंट को बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। और क्यों बन जाता, ये देखें पेशेंट आपको नज़र आ रहा है इसको फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है अंदर, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, इरीटेशन हो रही है, ठीक है। और क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, किस चीज़ की, कान के अंदर से मस्टी ओडोर आती है, ठीक है, याद रखना है आपने, मस्टी ओडोर आती है, फंगस अंदर बैठी होती है ना तो मस्टी ओडोर आ रही होती है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, ठीक है। सो ये आपके पास है ऑटोमाइकोसिस, फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है, किसकी वजह से होता है, एस्परगिलस नाइगर की वजह से होता है, कैंडिडा एल्बिकंस की वजह से होता है। इसके अलावा एस्परगिलस फ्यूमिगेटस भी जो है ये इन्फेक्शन कॉज करता है, लेकिन उसका जो कलर आता है ना वो ब्लूइश सा आता है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो एरियाज इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स, ठीक है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आपको पता है ना हमारी अर्थ होती है और उसका जो इक्वेटर वाला एरिया होता है वहाँ पर जो जो कंट्रीज़ होते हैं ना वहाँ पर मोस्टली हमारे पास जो है गर्मी होती है ना, डायरेक्ट सन लाइट ऊपर पड़ रही होती है, तो इस वजह से उन एरियाज़ में जो है ना ये ज़्यादा कॉमन होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। सो हम देख लेते हैं इसको। अब ये वाली स्लाइड मैंने इसलिए ऐड किया ताकि आपको पता चले कि हमारा इक्वेटर की अर्थ है, यहाँ पे हमारे पास सिंगापुर है, ठीक है। सिंगापुर ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में आता है, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट के जो कान के अंदर फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन होते हैं, तो इस वजह से इस ऑटोमाइकोसिस का दूसरा नाम होता है सिंगापोरियन एयर, ठीक है, सिंगापोरियन कान है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है ये फंगल इन्फेक्शन। ऑब्वियसली पेशेंट को खारिश हो रही थी, पेशेंट को पेन भी होगी यहाँ पे, ठीक है, तो पेन पेशेंट कंप्लेन। सो दिस इज अगेन द फंगस प्रेजेंट इन द ईयर, अगेन दिस इज़ द फंगस इन द ईयर। अब होता यह है कि इसको इसका एक नाम तो हमने बता दिया कि ऑटोमाइकोसिस होता है, दूसरा हमने बता दिया सिंगापोरियन एयर कहते हैं इसको, तीसरा इसका जो नाम होता है वो स्विमर्स एयर होता है, ठीक है, स्विमर्स एयर। अब आपको पता है हमारी जो आउटर हमने देखा था जो हमारी वैक्स पड़ी हुई थी हमारे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का जो कार्टिलेजनस पार्ट था वहाँ पर, ठीक है, स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं जो वैक्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। अब जो लोग स्विमिंग करते हैं ना ज़्यादा तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पानी अंदर जाता है ना तो उसकी वजह से ना उनकी थोड़ी सी वैक्स रिमूव होना शुरू हो जाती है इस तरह से, ठीक है। सो उस केस में क्या होता है कि जो वैक्स होती है नॉर्मली हमारी कान के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट देती है, ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट, एसिडिक पीएच रखती है। एसिडिक पीएच रखने की वजह से क्या होता है, हमारे पैथोजेंस मर जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जो लोग ज़्यादा स्विमिंग करते हैं ना उनमें क्या होता है कि वो पानी जाने की वजह से उनकी वैक्स जो होती है वो कम हो जाती है। जब वैक्स कम हो जाती है तो वो जो पानी अंदर जाता है ना वैक्स कम हो जाती है तो एसिडिक एनवायरनमेंट नहीं दे पाती, ठीक है। सो पैथोजेंस कैन ग्रो इन दैट, पर्टिकुलरली द फंगस। फंगस जो है बहुत पसंद करती है मॉइस्टी एरियाज़ को,
इस वजह से वो कान जो है ज़्यादा गीला रहता है ना, तो वहाँ पे वो ग्रो करना शुरू कर देती है। इस वजह से इसका तीसरा नाम जो होता है ऑटोमाइकोसिस का, वो होता है स्विमर्स एयर। ठीक है, तो इस वजह से हमें जो कान नज़र आता है ना, वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि वेट न्यूज़पेपर लाइक अपेरेंस होती है। ठीक है, जैसे ये फंगस पड़ी हुई है ना, यहाँ पे फंगस पड़ी हुई है। अब ये कौन सी फंगस होगी? एस्पर्गिलस निगर होगा, क्यों? काला है। ठीक है, और ये आपके पास वाइट क्रीमी है, तो ये कौन सी होगी? कैंडिडा की होगी। ठीक है, और इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि वाइट पेपर लाइक अपेरेंस है मीन्स दैट ये जो इर्द गिर्द वाला एरिया है ना सारा, ये वाला एक गीला गीला आपको फील होता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने जो है ना वाइट फिल्टर पेपर या वाइट न्यूज़पेपर जो है ना, सॉरी वेट न्यूज़पेपर या वेट फिल्टर पेपर जो है ना वो रखा हुआ है, गीला गीला महसूस होता है साइड वाला है सारा एरिया। तो इस वजह से इसको कहते हैं कि वेट न्यूज़पेपर लाइक अपेरेंस या वेट फिल्टर पेपर लाइक अपेरेंस। अगेन दिस इज़ द ऑटोमाइकोसिस। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन में भी आप कैसे इसको रिकोगनाइज करोगे? ये देखें, अगर आप इसको क्लोजली देखें ना, आपको पता है फंगस जो होती है उसके हमारे पास स्पोरेंजियम होते हैं ऐसे, तो इस तरह से ये देखें आपको धागे धागे निकल रहे हैं और अंदर ऐसे स्पोर्स की फॉर्म में आपको स्पोरेंजियम से स्पोर्स फॉर्म मिल रहे हैं। तो ये हो गया हमारे पास ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में कॉमन होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो है क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, मैंने आपको बताया, और पेशेंट को जो है वो पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होती है, वाटरी डिस्चार्ज होता है। याद रखना है हमारे पास कि पानी निकल रहा होता है। ठीक है, कान के अंदर से पानी निकल रहा होता है, मस्टियो डोर होती है, मैंने आपको बताया वो कैसे उसने कान नाक बंद किया हुआ था, ईयर ब्लॉकेज फील होता है, पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे मेरा कान जो है ना फुल हो गया, बंद हो गया अंदर से। ठीक है, और फंगल मास जो है वो हमें वाइट मिल सकती है जैसे कि कैंडिडा था, ब्लैक मिल सकती है जैसे कि हमारे पास जो है वो एस्पर्गिलस था, और ब्राउन मिल सकती है एस्पर्गिलस फ्यूमिगेटस के केस में। ठीक है, और ये हमें वेट पीस ऑफ फिल्टर पेपर या वेट पीस ऑफ न्यूज़पेपर की फॉर्म में मिलता है। फिर हम ऑटोस्कोप से देखते हैं तो हमें जी नज़र आ जाता है कि अगर तो ब्लैक होगा तो एस्पर्गिलस निगर होगा, अगर तो हमारे पास ब्लू होगा तो हमारे पास एस्पर्गिलस फ्यूमिगेटस होगा, और अगर क्रीमी वाइट होगा तो हमारे पास कैंडिडा होती है। ठीक है, फिर ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा कि वही होगा ना, हम ओरल टॉयलेट करेंगे जो हमने किया था, उसमें हम जो है सारा साफ़ करेंगे, अंदर डेब्रिस सारा कुछ फंगस को साफ़ करेंगे, मॉपिंग करेंगे, सरेंजिंग से साफ़ करेंगे, मैंने आपको सरेंजिंग भी दिखाई थी कैसे करते हैं, सक्शन करेंगे, ठीक है, सक करके बाहर निकाल लेंगे उसको। ठीक है, वो मैंने आपको दिखाई थी, मॉपिंग करेंगे, मतलब यही चीज़ें होती हैं जिससे हम ओरल टॉयलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, साफ तो हमने कर लिया, अब अपने फंगस को भी तो ख़त्म करना है ना, तो ताकि वो दोबारा से ग्रो ना करे, तो उसके लिए आप एंटी फंगल एजेंट्स देते हो, जिसमें आप क्या देते हो, आपने स्टेटिन देते हो। ठीक है, आपने स्टेटिन देते हो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सॉरी एंटीफंगल्स दोगे, उसमें कौन से हैं? क्लोट्रिमाजोल है और पोविडोन आयोडीन है। ठीक है, पोविडोन दोगे, निस्टेटिन दोगे, क्लोट्रिमाजोल दोगे। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, एंटीफंगल्स जो आपने देनी है। उसके बाद जी आप जो है केराटोलिटिक एजेंट देते हो। ठीक है, कैराटोलिटिक एजेंट जो होता है वहाँ पे जो कैरेटिन डिपॉजिट्स हुए होते हैं, ठीक है, उसके मतलब गंद बिला होता है ना, उसको ही साफ़ करने के लिए एसिड होता है। ठीक है, एसिड होता है सैलिसाइक्लिक एसिड 2% इन द अल्कोहल, ये आप डाल देते हो। ठीक है, उसके बाद जी आपके पास आ जाता है कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट आपने कर लिया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि पेशेंट को कहना अपना कान जो है ना वो खुश्क रखो अब। ठीक है, क्योंकि अंदर तुमने फंगस ग्रो करवा ली है, अब तो अब खुदा का वास्ता है कि जब नहाने जाओ ना तो उसको अंदर कुछ ड्राई रखो, उसको गीला ना होने दो, स्विमिंग जो है ना वो थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तब तक तुम ठीक नहीं हो जाते। ठीक है, और आपको पता है कि जब भी हमारी कोई पहले से कोई इन्फेक्शन हुआ होता है उसके ऊपर बैक्टीरिया बहुत पसंदी से आ जाते हैं। ठीक है, वो पीछे नहीं रहते, तो इस वजह से हमें एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट भी देनी पड़ती है, एंटीबायोटिक्स स्टीरॉयड ट्रीटमेंट देना होता है ताकि वो वहाँ पे एडेमा इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाए और सुपर एडेड जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए। ठीक है, सो दिस वॉज द टॉपिक अबाउट द ऑटोमाइकोसिस इन विच यू शुड नाउ द ट्रीटमेंट। ओके, और इसकी डायग्नोसिस आपको अच्छी से आनी चाहिए और ट्रीटमेंट बहुत अच्छा आना चाहिए। पास पेपर्स हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, हमने अभी तक बात कर ली बैक्टीरियल की, सारी हमने कर ली। ठीक है, वायरल हमारे पर रह गए हैं। वायरल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मैं पढ़ाऊंगी, दैट इज़ ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका। ठीक है, ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका का आपको क्या समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है कि कान के बाहर मतलब एक्सटर्नल ईयर में कोई प्रॉब्लम चल रही है और कौन सी है जिसमें हेमरेज हुआ हुआ है। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा है कि वायरल इन्फेक्शन के अंडर आता है, तो कौन सा वायरस होता है जो ये कर रहा होता है? इन्फ्लुएंजा करता है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा करता है। इन्फ्लुएंजा करता क्या है? हेमरेजिक बुल्ले बना देता है। मैं आपको दिखाती हूँ इसको, पहले आपको नज़र आ रही है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुँचा हुआ है सारा, हेमरेजिक बुल्ला बना हुआ है। बुल्ला मीन्स के मतलब सही भरा हुआ, ब्लड के साथ भरा हुआ है। ठीक है, ये भी आप देखें, ये आपके पास हेमरेजिक बुल्ला बना हुआ है। तो ये किससे हुआ हुआ है? ये वायरल इन्फेक्शन से हुआ हुआ है, इन्फ्लुएंजा की वजह से हुआ हुआ है। पेशेंट को दर्द हो रही होगी कान में और साथ में जो है ना उसको फ्लू वगैरह भी होगा बिकॉज इन्फ्लुएंजा हुआ हुआ है, और साथ में जो है ना उसको कान के अंदर से ब्लड आ रहा होगा। ठीक है, ब्लड निकल रहा होगा, हेमरेजिका है ना, बुल्ला है, रप्चर करेगा तो ब्लड। सो यही लिखा हुआ है इन्होंने, हेमरेजिक बुल्ला हमें मिलेगा।
इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक्स में कॉमन होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रही होगी, ब्लड सस्टेन डिस्चार्ज आ रहा होगा, ठीक है, जब वो रप्चर करेगा। ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, पेशेंट को पेन है उसको ट्रीट करेंगे, एनाल्जेसिक देंगे, ठीक है, और हम जो है वो एंटीवायरल्स नहीं देते इसमें, बिकॉज पेशेंट की जो है ना खुद ही इम्यूनिटी हमारी बॉडी फाइट करके उसको ख़त्म कर सकती है खुद, हमने जस्ट उसको एंटीबायोटिक्स देने होते हैं ताकि सेकेंडरली इन्फेक्शन ना हो जाए, ठीक है। सो आपने दो ही ट्रीटमेंट में देना होता है, यहाँ पे एनाल्जेसिक्स देने होते हैं, एंटीबायोटिक्स देने होते हैं। ऑटोमाइकोसिस में आपने याद रखना है, सबसे पहले आपने कान को साफ़ किया, ओरल टॉयलेट किया सारा, टॉयलेट करने के बाद आपने उसको एंटीफंगल्स दे दिए, ठीक है। एंटीफंगल्स देने के बाद आपने उसको जो है वो सुपर एडिड बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स दे दिया, आप एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर डिफरेंस इन ट्रीटमेंट आ रहा है, दैट इज़ द केराटोलिटिक एजेंट, जिसमें आपने 2% सेरीसाइक्लिक एसिड इंड अल्कोहल देने का होता है, ठीक है। और वायरल में हमारे पास जो लास्ट आता है, डैट इज़ द हर्पेस ज़ोस्टर ऑर्टिकस, ठीक है। इसमें ये होता है कि पेशेंट को हर्पेस ज़ोस्टर का इन्फेक्शन हो जाता है और आपको पता है उसमें वेसिकल्स बन जाते हैं, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर आपको वेसिकल्स मिलेंगे, ठीक है, और इर्द गिर्द कान के इर्द गिर्द भी सारा वेसिकल्स बने होंगे, मेटल स्किन वगैरह भी इन्वॉल्व होगी, और इसमें आपकी ये जो 7th और 8th नर्व होती हैं ये भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन यह है कि आपको पता होना चाहिए कि ये भी हमारे पास एक वायरल इन्फेक्शन होता है। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इन्फेक्टिव ग्रुप्स, सारे हमने डिस्कस कर लिए, बैक्टीरियल डिस्कस कर लिए, वायरल डिस्कस कर लिए, फंगल डिस्कस कर लिए, ठीक है। आपके कल कुछ पास पेपर्स रह गए थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं, हमने पढ़ा था फ्रंकल पढ़ लिया हुआ था, उसके हमने पास पेपर्स डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डिफ्यूज़ था और स्क्रेबा मैलिग्नेंट था, उसके हमारे पास पेपर्स रह गए थे। तो ये देखें, ये आपके पास अब बार बार आप देखोगे तो आपके पास बार बार यही आया हुआ है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्नल, डायबिटिक पेशेंट है, उसको पेन हो रही है कान में, ग्रैनुलेशन टिश्यू मिल गया है, तो डायग्नोसिस क्या होगी, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, उसको कैसे ट्रीट करोगे, उसके दो पॉइंट्स आपने लिख देने हैं, तो आपको पता है क्या ट्रीट करना है, उसको कैसे ट्रीट करना है, ऑरल टॉयलेट कर देना, उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे देना, उससे पहले आपने क्या करना है, उसको कहना है डायबिटीज़ कंट्रोल करो, ठीक है। वो डिफाइन द मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस एंटिटी, ठीक है, आपको पता है नेक्रोटाइजिंग कहते हैं इसको, प्रेजेंटेशन इसकी कैसी होती है आपको पता है, कैसे पेशेंट आपको नज़र आ रहा होता है, ठीक है, मैलिग्नेंट हुआ होता है सारा, उसका मतलब और भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, सारा आपने बताना है, पैथोजेनेसिस क्या होती है, ट्रीटमेंट क्या होता है, उसके बाद ऑटोमाइकोसिस क्या होता है और ये भी हमने पढ़ा है, और इसकी टाइप क्या होती है, और प्रेजेंटेशन एंड ट्रीटमेंट क्या होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह हो रही होती है, पेन हो रही होती है, सिंपल सा आंसर है इसका। उसके बाद जी आपके पास ये मेल है और उसको जो है फुलनेस ऑफ हेयर है, फुलनेस ऑफ हेयर है जब भी आपके पास, अच्छा ये वाली अभी हम नहीं कर लिया, बल्कि फुलनेस ऑफ एयर है मैंने अभी आपको बताया, ये वाइट चीज़ी मटेरियल है तो ये क्या होगा, कैंडिडा का इन्फेक्शन हुआ हुआ है, ठीक है, और पेन भी है उसको, फुलनेस ऑफ एयर ऐसे लग रहा है, उसमें कान भरा हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा होगा, ये हमारे पास ऑटोमाइकोसिस होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास फिर से डायबिटिक फीमेल है और यहाँ पर इसमें फेशियल पाल्सी हुई हुई है, क्या होगा, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना होगा। फिर मेल है हमारे पास डायबिटिक है, ठीक है, और उसको जो है वो हमें क्या मिला है, डायबिटिक है और वहाँ पे हमें क्या मिला है, ग्रैनुलेशंस मिली हैं, ठीक है, क्या होगा, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटेंडर है, डायबिटिक है, अगेन डायबिटिक है और पेन हो रही है उसे और फेशियल वीकनेस हो रही है, क्या होगा, फेशियल नर्व पैरालिसिस, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटेंडर। फिर फीमेल है हमारी डायबिटिक है, ठीक है, और उसको जो है वो क्या हो रहा है, ग्रैनुलेशन टिश्यू हमें मिल गया जी, तो क्या होगा, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटेंडर, ठीक है। उसके बाद ये वाला देखें, आप मुझे बताएं कि विंटर सर्दियों के दिन थे जी, उसको स्नीजिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, पता नहीं क्या हो गया उसे, साथ में उसके कान में से डिस्चार्ज भी निकलना शुरू कर दिया, ठीक है, और ब्लूइश ब्लब्स हमें नज़र आना शुरू हो गए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे, तो क्या होगा, ये हमारे पास ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका होगा, क्योंकि इन्फ्लुएंजा की वजह से, इन्फ्लुएंजा हुआ था उसे और उस वायरस की वजह से क्या हुआ कि हमारे पास वो हेमरेजिक बुल्ला बन गए, ठीक है। फिर हमारे पास डायबिटिक मेल है और उसे पेन हो रही है और यहाँ पे हमारे पास फेशियल वीकनेस अगेन, ठीक है, क्या होगा, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। फिर हमारे पास मेल आ गया, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है और ट्रेगल टेंडरनेस, ये हमने पढ़ लिया था फ्रंकल, ये कर लिया हुआ हमने सॉल्व। फिर डायबिटिक पेशेंट है, ठीक है, और फेशियल वीकनेस है, क्या होगा, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ठीक है। फिर उसे अब देखें, इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ख़ारिश है, पेन है, ठीक है, और प्रेसिंग द ट्रिगर्स एंड टचिंग द पिन्ना वॉज पेनफुल। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ना हेयर पिन से उसने अपने कान में ख़ारिश करने की कोशिश की थी, ट्रॉमा हो गया उसे, तो ट्रॉमा हो गया, उसके बाद उसे जो है ना ट्रिगर्स एंड टचिंग द पिन्ना वॉज पेनफुल, तो ये वो वाला होगा, डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना ट्रॉमा की वजह से हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है आ जाता है ये डायबिटिक मेल वाला, वही वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक्सक्रूशिएटिंग पेन, ये भी हमारे पास किस में होती है, मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना में,
ठीक है, उसके बाद ये वैक्स वाली बाल में ट्रीटमेंट करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास इचिंग या इरिटेशन है, उसको लिटरल डिस्चार्ज है, वाइटिश मटेरियल हमें मिल गया है, तो ऑटोमाइकोसिस होगा। ठीक है, उसके बाद अगेन वी हैव द सेम कि हमारे पास 45 ईयर ओल्ड मेल है, ठीक है, और डायबिटिक है, और उसको फेशियल नर्व पैरालिसिस पैरालिसिस है, हेडेक है, ठीक है, और ये सारा वही है मेलिग्नेंटोटाइटिस एक्सटर्ना। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास ऑटोमाइकोसिस उन्होंने पूछा हुआ है और मेलिग्नेंटोटाइटिस एक्सटर्ना हमने कर लिया, दैट्स इट।